400 सीट का नारा दिया है, वो इसलिए दिया है कि संविधान को बदला जा सके। दो तिहाई से ज्यादा बहुमत होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। जो हमारे साथी ने बनाई हंडिया लगाएंगे, ये हंडिया चाहते हैं कि हंडिया लगे नौजवान। ये अनंत हेगड़े ने नरेंद्र मोदी के इशारे पर बयान दिया, मोहन भागवत, अरे बीजेपी किनारे करने से क्या होगा, ड्रामे हैं सबके। एक बार नहीं कई बार हर्षद बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि संविधान बदलना है, और 400 पार का जो नारा है बीजेपी के नेता अनंत कुमार हेगड़े जी ने 2 दिन पहले कहा है। ये संविधान बदलने का मतलब है कि फिर से पुराना जमाना लौटाना, जब दलित शूद्र गले में हाड़ी बांध करके चलते थे कि ताकि फूक न जमीन पर गिरे, कमर में झाड़ू ताकि पांव के निशान न रह जाए, मिट जाए, नहीं पांव के निशान से मनुवादी लोग अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदलना चाहती है। मौजूद हूँ IYC में, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है भाजपा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से पहले के जमाने में होता था, दलितों को हांडी बांध के चलना पड़ता था अपने गले में, तो उस तरीके से देखिए कि यहाँ पे जो है हांडी बांध के एक दलित यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सरकार में जिस तरीके से दलितों के साथ बर्बरता की जाती है वो यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे हाथ में पोस्टर लेके चल रहे हैं ये लोग, उसके बाद यहाँ पे लोगों से ही बातचीत करेंगे। समाज का आदमी जो है हड़िया में आ जाए और आगे गले में हड़िया है, ये संविधान बदलने का मतलब है कि फिर से पुराना जमाना लौटाना, जब दलित शूद्र गले में हाड़ी बांध करके चलते थे कि ताकि थूक न जमीन पर गिरे, कमर में झाड़ू ताकि पांव के निशान न रह जाए, मिट जाए, नहीं पांव के निशान से मनुवादी लोग अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदलना चाहती है। हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार हर्षद बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि संविधान बदलना है, और 400 पार का जो नारा है संविधान बदलने के लिए, 6 बार के सांसद और मंत्री बीजेपी के नेता अनंत कुमार हेगड़े जी ने 2 दिन पहले कहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे उदित राज जी भी मौजूद है, उसके बाद यहाँ पे जो है अनंत कुमार हेगड़े का जिस तरीके से बयान आता कि अब की बार अगर 400 पार कर देते हैं तो संविधान बदल देंगे, उसके बाद यहाँ पे लगातार जो है प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हांडी लेके ये लोग चल रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत के अंदर संविधान को बदलेंगे और ये स्थिति हो जाएगी। देखो ये स्थिति होगी, जो हमारे साथी ने पहना ये हंडिया लगाएंगे, ये हंडिया चाहते हैं कि हंडिया लगे नौजवान। यहाँ पे हांडी लेके लोग चले, जिस तरीके से पहले दलितों के साथ किया जाता था, और यहाँ पे जो है लगातार लोग प्रदर्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो है पोस्टर लेके हाथ में चल रहे हैं। नारा उसने इसलिए दिया है कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बने उसको बदलने के लिए, इसके लिए जो RSS के चीफ हैं वो भी बोल चुके हैं कि RSS की संविधान की समीक्षा करनी है। नीति आयोग के एक सेक्रेटरी उन्होंने भी पहले संविधान को बदलने के लिए बोला था, उसके बाद अब 400 सीट का नारा दिया, 400 सीट का नारा दिया है, वो इसलिए दिया है कि संविधान को बदला जा सके। दो तिहाई से ज्यादा
ज्यादा बहुमत होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। मैं देश के दलितों से, आदिवासियों से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये जो इस कामयाबी लेने की सोच रहे हैं 400 सीट की, चलिए चलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आप इनको 40 सीट में ला दो, नहीं तो देश हड़िया बांध करके क्यों चल रहे हैं? गले में हाड़ी बांध करके इसलिए चल रहे हैं हमारे अतर सिंह जी कि बीजेपी ने संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया। अगर 400 पार इनका हुआ या 2/3 बहुमत होगा तो शूद्रों महिलाओं के गले में इसी तरह की हाड़ी पहनाई जाएगी ताकि थूके तो हड़िया में थूके, जमीन पर थूकेंगे तो सवर अपवित्र हो जाएंगे, और कमर में झाड़ू बांध करके चलेंगे जैसे 150 साल पहले पूना के रियासत में हुआ करता था कि झाड़ू कमर में बांध के चलते थे ताकि जो निशान पड़े पांव का वो मिट जाए जिससे रास्ता पवित्र हो जाए। लेकिन ये बयान तो अनंत हेगड़े ने दिया है, तो पूरी बीजेपी को घेर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन विवेक देवराय ने कह रखा है 12 दिसंबर 1949 में आरएसएस हिंदू महासभा ने संविधान की प्रति जलाई थी और उन्होंने बाबा साहब का भी पुतला जलाया था। इसके अलावा भी 52 साल तक तिरंगा नहीं माना उन्होंने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। किस तरीके से जो है जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो दलितों के साथ ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा जो है, ये तो आपने बता सकते हैं कि जो बीजेपी आरएसएस जो दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ जिस तरीके से बर्बरता करती है, यहाँ पे सीधे तौर पर वो नजारा सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा दें अगर यहाँ पे जो है किस तरीके से उनको हांडी लेके चलना पड़ता, जिस तरीके से पहले के जमाने में होता था जो दलित है वो थूक नहीं सकते थे, हांडी के अंदर उनको थूकना पड़ता, जिस तरीके से झाड़ू बांध के चलते थे, उसके बाद यहाँ पे तस्वीरें देखिए किस तरीके से। और अगर हम मेरा कैमरामैन पीछे घुमा के दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस जो है पहले से तैनात हो चुकी है। और अगर आपको दिखा दें किस तरीके से जो है 144 धारा जो है वो आज हट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो जो बैनर लगा हुआ है दिख रहा होगा, यहाँ पे पुलिस पूरी तैनात है यहाँ पर। उसके बाद अगर पीछे का नजारा दिखाएं जो है ये लोग जो प्रदर्शन है लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है जो पुलिस जो है वो कह रही है लगातार कि 144 धारा जो है लगी हुई है, यहाँ पे भी सूचना देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये लोग नहीं रुकते तो इनको डिटेन कर लिया जाएगा। यहीं पे हम जो है इन लोगों से बात करने की दोबारा कोशिश करते हैं। बीजेपी ने साफ किनारा कर दिया, बीजेपी अपनी बात को रखवाती है, बाद में किनारा कर लेती है। पुलिस की पूरी तैयारी है आपको डिटेन करके ले जाने की, जो है गेट खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक संघर्ष, आप लोगों को डिटेन करने की तैयारी कर ली है, आप लोगों को डिटेन करने की तैयारी कर ली है। जब तक ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे हम जेल से या आंदोलन करने से नहीं डरेंगे, हमारा आंदोलन कंटिन्यूस जारी रहेगा। विरोधी नरेंद्र मोदी, संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी। देखो ये
सदानंद हेगड़े ने नरेंद्र मोदी के इशारे पर बयान दिया। मनमोहन भागवत, अरे बीजेपी किनारे करने से क्या होगा, भ्रम है इन सबके। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है 144 धारा के तहत आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और जो 400 पार का नारा दिया उसको लेके यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस का विरोध जताया जा रहा है। अब देख रहे हैं इनको डिटेन की प्रक्रिया जो है शुरुआत हो चुकी है, सूचना दी जा रही है पुलिस वालों की तरफ से, बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आई की जानकारी की बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।